जनक है। कल तक हम जिनके लिए सभी पूरा देश जिनके लिए खुशी मना रहा था, आज उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया तो सभी को बहुत अफसोस है इसका। लेकिन क्या परिस्थितियां रही और कल तक वो क्वालिफाई करके खेली भी और जीती भी, आज अचानक से और सिर्फ कुछ ग्राम का फर्क है और दो बाउट्स वो क्लियर कर चुकी थी, तो इसमें क्या परिस्थितियां ऐसी रही? क्या हमारे सरकार ने उनके लिए आवाज उठाई या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या उनको प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए किया, उनकी पैरवी करी? तो ये सब जवाबदेही सरकार को देनी चाहिए, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो इस मुद्दे पर, ये बहुत गंभीर मुद्दा है पूरे देश के लिए, वो हम सब के लिए वहां पर देश के लिए गर्व की बात थी कि वो फाइनल्स तक पहुंची थी, लेकिन जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई हुए तो बहुत अफसोसजनक है और इसमें सरकार को कुछ ना कुछ स्टैंड लेकर इसकी जवाबदेही बनती है। ये भी है कि सारे ऑपोजिशन जो है वो वॉकआउट कर गए, खेल मंत्री ने उन्होंने जवाब भी दिया इस बात पे, अपनी बात रखी कि सरकार क्या कर रही है, क्या कंसर्न है सरकार का, सरकार उनके लिए क्या दे दिया है, तमाम बातें रखने के बाद भी आखिर वॉकआउट। जी हाँ, बातें हमें संतोषजनक नहीं लगी उनकी, और किन परिस्थितियों में उनका पूरा जो प्रैक्टिस का पीरियड है, सरकार को वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स से अवगत कराती रही लेकिन सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, जब उन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए था वो बाहर धरना दे रही थी, तो इसमें बहुत सारी उंगली उठाई जा सकती है और मुझे लगता है कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और हमारे जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको वो सम्मान देना चाहिए जो डिजर्व करते हैं।